students and viewers, दर्शकों का और विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम ये एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। तो ये वॉइस क्या होता है? वॉइस को हिंदी में हम वाच्य बोलते हैं। वाक्य में एक क्रिया होती है, बिना क्रिया के, या यूं कहें कि फाइनाइट वर्ब या पूर्ण क्रिया के बिना कोई वाक्य सृजित नहीं हो सकता, कोई वाक्य नहीं बनता। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो क्रिया वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब क्रिया यदि हमें यह बताए कि हमारा कर्ता सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, एक्टिव है, सक्रिय है, तो समझना चाहिए कि उस क्रिया का रूप कर्तृवाच्य है, एक्टिव वॉइस है। जैसे हम कहते हैं ही राइट्स ए लेटर। ही हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, राइट्स मुख्य क्रिया है, फाइनाइट वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। ये तो सब्जेक्ट कि नहीं कर्ता, क्रिया, कर्म। अब आपने ये रूप याद किया होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आदि आदि। यहां आप देखिए कर्ता ने कर्म को लिखता है। कर्ता कर्म को लिखता है, कर्ता ने कर्म को लिखा या कर्ता कर्म को लिखेगा, ऐसा वाक्य कहते हैं। यहां पर एक्टिव है ये, ही हमारा कर्ता जो है वाक्य का सब्जेक्ट, वो सक्रिय है, वो निष्क्रिय नहीं है। पर यदि इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए कि ए लेटर वॉज Written by him, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब इस वाक्य में ए लेटर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता बन गया है और वर्ब में ये परिवर्तन आया, राइट्स की जगह पर वो, मैंने यहां पर प्रेजेंट है, ये पास्ट वाला सेंटेंस है, वॉज रिटन मतलब भूतकाल का हो गया ये, कि वॉज रिटन को लिखा गया था, ठीक है, लिखा गया बाय हिम उसके द्वारा, तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ये हो गया। यहां पर ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर रहा है, पत्र कुछ नहीं कर रहा है, पत्र को कुछ किया जा रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, मतलब ये कर्मवाच्य। अब इंग्लिश में इसको अच्छी तरीके से करने के लिए हमें टेंस के सेंटेंसेस पता होने चाहिए। अब इंग्लिश में 12 टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें 4 टेंसेस में पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, या यूं कहो के असंभव है। तो बाकी बचे 8। अब उन 8 वाक्यों को का एक वाक्य तो एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में,
किसी एक क्रिया को लेके, किसी एक सकर्मक क्रिया को लेके। सकर्मक क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिस क्रिया का कर्म हो, सब क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं, तो जिस क्रिया का कर्म हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब 16 सेंटेंस हो जाते हैं, 8 एक्टिव 8 पैसिव। तो इन वाक्यों को आपको एक इकाई के रूप में याद करना चाहिए और अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेना चाहिए, तभी आपको पैसिव वॉइस को सही ढंग से समझ सके। देखिए तो ये 16 सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। ही हैज़ रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका है या उसने पत्र लिख लिया है। ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है या उसने पत्र लिख लिया है। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ये पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था। ए लेटर वॉज बींग रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। ही हैड रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका था। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था। ही विल राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगा। ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। ही विल हैव रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका होगा। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा। अब ये दूसरे वाक्य हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक। ही डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। ही हैज नॉट रिटन ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है या वह पत्र नहीं लिख चुका है। ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका है। पास्ट भूतकाल, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया। ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा था। ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था। ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका था। ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका था। ही विल नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा। ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा। ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका होगा। अब इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। डज ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। इज ए लेटर रिटन बाय हिम, क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम,
क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है? हैज ही रिटन ए लेटर? क्या वह पत्र लिख चुका है या क्या उसने पत्र लिख लिया है? हैज ए लेटर बीन रिटन बाय हिम? क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है? डिड ही राइट ए लेटर? क्या उसने पत्र लिखा? वॉज ए लेटर रिटन बाय हिम? क्या पत्र उसके द्वारा लिखा गया? वॉज ही राइटिंग ए लेटर? क्या वह पत्र लिख रहा था? वॉज ए लेटर बींग रिटन बाय हिम? क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था? हैड ही रिटन ए लेटर? क्या वह पत्र लिख चुका था? हैड ए लेटर बीन रिटन बाय हिम? क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था? विल ही राइट ए लेटर? क्या वह पत्र लिखेगा? विल ए लेटर बी रिटन बाय हिम? क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा? विल ही हैव रिटन ए लेटर? क्या वह पत्र लिख चुका होगा? विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम? क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा? इस प्रकार आपने ये 48 वाक्य देखे, 16 सकारात्मक या कथनात्मक, 16 नकारात्मक नेगेटिव और 16 प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये आठों को प्रत्येक वाक्य एक इकाई के रूप में यदि आप आत्मसात करते हैं, उसका कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरा वाक्य इकट्ठा जबान से निकलना चाहिए, एक बार में जबान से निकलना चाहिए। इस तरीके से आत्मसात करें। जो टेंसेस हैं पहले में, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर पास्ट में भी 3 सेंटेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में केवल 2 सेंटेंसेस हैं, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव नहीं होते हैं, पैसिव फॉर्म नहीं है। तो इनको जब आप पूरी तरीके से आत्मसात कर लें और आप देखेंगे कि सभी पैसिव वॉइस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म या जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं उसका यूज़ होता है, और उसके साथ बी फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल करेंगे तो इज आर एम, पास्ट सिंपल करेंगे तो वॉज थर्ड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल करेंगे तो विल, और पैसिव में विल बी। तो हम देखते हैं कि जो क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे हम हिंदी में कहते हैं वह पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? लिखता है। और जब हम इसका पैसिव करते हैं तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी हिंदी में पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो लिखता है क्रिया लिखा जाता है क्रिया में परिवर्तित हो गई। तो इसको ऐसे कहेंगे कि लिखता है क्रिया कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस है और लिखा जाता है क्रिया पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य। तो इस तरीके से आपको ये 16 के 16 सेंटेंस में क्रिया में कैसे परिवर्तन हो रहा है इस बात को ध्यान करते हुए आत्मसात करना चाहिए। तो जब हम एक्टिव पैसिव करें तो हमें एक तो टेंस का ज्ञान होना चाहिए और फिर वॉइस का, यानी क्रिया का रूप कैसा है, उससे हम पहचान कर सकेंगे वो एक्टिव है या पैसिव, हम ये पहचान कर सकेंगे। तो पहला काम तो यही है कि हम पहचान कर सकें, उसके बाद, और हमें ये 48 वाक्य अगर आत्मसात हैं, आत्मसात का मतलब मेरा ये है, जैसे कहते हैं पुस्तकस्था स्थित विद्या पर हस्तगतम धनम, यानी जो पुस्तक में स्थित विद्या है और जो दूसरे के हाथ गया हुआ धन है, ना तो विद्या विद्या होती है ना धन धन होता है, धन विद्या होती है कंठी की, यानी आपकी जुबान पे पूरा वाक्य आना चाहिए, तब आपके लिए बाकी आगे का काम
बहुत सहज और सरल हो जाएगा। यही मैं इसमें बताना चाहता हूँ। हम जिन लोगों को मेरा बताने का तरीका पसंद आया है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।